तुम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीट से संबंधित बड़ा प्रेस नोट जारी हुआ है। अब परीक्षा के मात्र 15 दिन शेष बचे हैं। आज 11 तारीख की बड़ी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में क्या है, प्रमुख प्रेस नोट डीपी जारोली ने क्या कहा है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पर आप नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे रीट व अन्य सभी भर्तियों की ताज़ा अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। दे सकते हो सबसे पहले अजमेर 11 सितंबर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रीट के मुख्य समन्वयक डॉक्टर डीपी जारोली ने कहा कि राजस्थान बोर्ड द्वारा राज्य के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट आगामी 26 सितंबर को आयोजित की जा रही है। इसके लिए पूरे राज्य में लगभग 4100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में रिकॉर्ड लगभग 26 लाख अभ्यर्थी दोनों पारियों में परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा है कि रीट परीक्षा का सफल आयोजन इससे जुड़ी एजेंसियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग में बेहतर तालमेल और समन्वय से ही संभव है। पिछले कुछ समय से भर्ती करने वाली एजेंसियों के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवांछनीय उपयोग और पेशेवर नकल गिरोह ने एक चुनौती खड़ी कर दी है, परंतु बोर्ड ने इन चुनौती को पार पाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, जैमर, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। यह आप देख सकते हो, तैनात किया जा रहा है। डॉक्टर जारोली शनिवार को रीट कार्यालय में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला रीट बोर्ड प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र आउट होने जैसी विकराल समस्या को उससे निपटने के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, जिसके तहत प्रश्न पत्रों पर विशेष बार कोडिंग और सीरियल नंबर लगाए गए हैं। परीक्षा में कोई भी मुन्ना भाई किसी प्रकार की अवांछित छेद न लगा सके, इसके लिए व्यवस्थाओं को पुख्ता और चार चौबंद किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कमियों को अपने स्तर पर ही समायोजित कर परीक्षा आयोजित करना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे उन्हें स्वीकार करना है। इस परीक्षा के राज्य सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है। रीट परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुंचना होगा। द्वितीय स्तर की परीक्षा प्रातः 10 बजे और प्रथम स्तर की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे प्रारंभ होगी। परीक्षार्थी को द्वितीय स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से 1/2 घंटे पूर्व अर्थात 9:30 बजे और प्रथम स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से 1/2 घंटे पूर्व 2 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना आवश्यक होगा। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र एवं इसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति के अतिरिक्त परीक्षा कक्ष में कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स देख सकते हो। आप किसी प्रकार से कोई आभूषण नहीं ले जा सकते, न कोई पर्स, हैंडबैग, डायरी कुछ नहीं ले जा सकते। जिला प्रशासन के स्तर पर प्रत्येक 4 परीक्षा केंद्रों पर न्यूनतम एक उड़न दस्ता तैनात किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक आंतरिक उड़न दस्ता भी कार्य करेगा। जिला स्तर पर जिला परीक्षा संचालन समिति और राजस्थान बोर्ड के स्तर पर विशेष उड़न दस्ते गठित किए जा रहे हैं, जो नकल एवं अनुचित साधनों पर पूर्णतः अंकुश लगाएंगे। दोस्तों, नकल के बारे में इस बार बहुत ही राजस्थान सरकार ने अच्छा कार्य किया है। रीट के समन्वय को बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सिंघवा ने बताया कि जिला स्तर पर सबसे अधिक 597 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए और सबसे कम परीक्षा केंद्र मात्र 17 जैसलमेर में है। प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से 2 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने रीट परीक्षा के लिए आवेदन किया है। राजस्थान बोर्ड ने राजस्थान रोडवेज और उत्तर पश्चिम रेलवे से रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को यात्री भाग को दृष्टिगत रखते हुए विशेष व्यवस्था व आग्रह किया है। दोस्तों, हमारी ये मांग थी, राजस्थान सरकार ने इसका ध्यान रखा है कि उसने विशेष गाइडिया चलाई जाए परीक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए। रीट कार्यालय में 20 से 27 सितंबर तक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला कलेक्टर कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में भी रीट परीक्षाओं के लिए 25 और 26 सितंबर को कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। बैठक को रीट के अतिरिक्त समन्वयक डॉक्टर मदन लोरी और बोर्ड की वित्तीय सलाहकार श्री रश्मि विशा ने भी संबोधित किया, उप निदेशक जनसफर। तो दोस्तों, इस प्रकार का बड़ा और शानदार प्रेस नोट
इन्होंने जारी किया है। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी तैयारी में मस्त होंगे और लगातार तैयारी कीजिए, किसी भी मुन्ना भाई के चक्कर में नहीं आके अपना जीवन बर्बाद करें। हम वीडियो से विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।